Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your science teacher Ms. Rabia Marine Rajput. As in the previous lecture, I told you about chapter number 1, ourselves, first topic. So today we will learn the next topic of this chapter, that is excretion. Excretion is the process of removing waste. The term excretion is specifically elimination of waste produced by cellular activity. Excretion प्रोसेस है रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ये टर्म एक्सक्रीशन स्पेसिफिकली वो वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट मटीरियल एलिमिनेट करती है बॉडी से जो कि सेलुलर एक्टिविटी के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं. इट इज़ नॉट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल. ये वो अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल को रिमूव नहीं करती, लाइक वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है जो कि सेलुलर एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है. इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. इसका मेन वर्क क्या है? हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सॉल्ट. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी से रिमूव आउट होते हैं, दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सॉल्ट. नाइट्रोजन कंपाउंड्स में वी हैव सच एज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स. इन द नेक्स्ट, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम मीन्स कि एक्सक्रीशन प्रोसेस जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी में वो प्रोसेस होता है. इट रेगुलेट्स सॉल्यूट मूवमेंट बिटवीन इंटरनल फ्लूइड्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. मीन्स कि ये हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और जो इसके इंटरनल फ्लूइड्स हैं उनकी मूवमेंट को रेगुलेट करता है. वी हैव सम ऑर्गन्स दैट कंप्लीट द एक्सक्रीशन प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, दैट आर लंग्स, लिवर, स्किन एंड किडनी. नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दिस. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम. नाउ फर्स्ट वी हैव लंग्स. लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दीज आर द वेस्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव आउट करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. इन द नेक्स्ट वी हैव लिवर. लिवर रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड. लिवर हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस है उन्हें हमारे ब्लड से रिमूव आउट करता है. एंड सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर गिवन बिलो. डिस्पोजल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट. मीन्स के हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन यानी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं यानी बाइल पिगमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करता है. एंड सेकेंडली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन उन अमाइनो एसिड्स को भी हमारी बॉडी से रिमूव आउट करता है. इन द नेक्स्ट वी हैव स्किन. वाटर, सॉल्ट एंड सम यूरिया डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इन टू द स्वीट ग्लैंड्स एंड आर एक्सक्रीटेड एज परस्पिरेशन. स्किन हमारी बॉडी से वाटर, सॉल्ट और यूरिया को स्किन के थ्रू रिमूव आउट करता है यानी स्वीट ग्लैंड्स स्वीट के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट करता है लाइक परस्पिरेशन. सो वॉट इज परस्पिरेशन? Perspiration acts to regulate body temperature by removing excess heat. Perspiration हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है यानी हमारी बॉडी में जो एक्सेस हीट है उसे रिमूव आउट करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं. देन वी हैव किडनी. द एक्सक्रीटरी सिस्टम डेट इन्वॉल्व किडनी इज कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम. इट इंक्लूड्स किडनी, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. मीन्स के आपकी बॉडी में जो वाटर रिमूव आउट होता है यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बॉडी में होता है वो बिकॉज ऑफ यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपकी बॉडी से इस तरह से रिमूव आउट होता है. और यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है किडनी के पार्ट्स जिनके थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम कम्प्लीट होता है. नाउ वी हैव द फंक्शन ऑफ किडनी. इट रिमूव वेस्ट ऑफ सेलुलर मेटाबोलिज्म फ्रॉम द ब्लड. दे रेगुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द बॉडी फ्लूड. किडनी का फंक्शन क्या है कि किडनी हमारी बॉडी में
जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है उनको रेगुलेट करता है, यानी जो बॉडी फ्लूड्स हैं हमारी बॉडी में उनको उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस रखता है, और जो ब्लड में सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव आउट करता है। नेक्स्ट वी हैव नेफ्रॉन। किडनी कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन्स आर द सेल्स ऑफ किडनी। What is the structure of nephrons? Nephrons consist of glomerulus and Bowman's capsule. एक nephron जो है वो consist होता है two parts पे, that is glomerulus and Bowman's capsule. Glomerulus is a network of capillaries. यानी glomerulus क्या है, वो हमारी body में जो capillaries का network है, यानी kidney में जो network है capillaries का, उसे glomerulus कहते हैं। And Bowman's capsule is a cup-like structure surrounded the ग्लोमेरुलस, और आपको इस पिक्चर में ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, यूरिया, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेलुलर रेस्पायरेशन की वजह से हमारी नेफ्रॉन में या किडनी में प्रोड्यूस होते हैं, नेफ्रॉन उनको फिल्टर आउट कर देता है ब्लड से। इन द लास्ट वी हैव सम किडनी डिजीजेज, यानी अगर आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो उसके रिजल्ट में जो डिजीजेज होती हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं। द सिम्टम्स ऑफ रिड्यूस किडनी फंक्शन मे इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर, टायर्डनेस, चेंजेस इन द अपेरेंस ऑफ यूरिन, मीन्स के यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, हेडेक, इचिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, वोमिटिंग यानी कि दिल खराब होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क ना कर रही हो, ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपको किडनी डिजीज़ हो जाती है या आपके किडनीज जो हैं प्रॉपर वर्क नहीं करते। नाउ वी हैव किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म व्हेन द सब्सटेंस क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द यूरिन इन द यूरिनरी ट्रैक और इन द किडनी। एज यू कैन ईजली सी द पिक्चर दैट यू कैन सी द स्टोन्स इन द किडनी, मीन्स के अनहाइजेनिक डाइट और अनहाइजेनिक वाटर की वजह से भी ये जो स्टोन्स हैं आपके किडनी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं, इनकी वजह से आपका जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, इसकी वजह से यूरिन आपके यूरिनरी ट्रैक से पास आउट नहीं हो पाता ईजली। नाउ द नेक्स्ट इज डायलिसिस। इट कैन सम टाइम बी यूज टू ट्रीट वेरियस किडनी डिजीजेज, किडनी ट्रांसप्लांट आर आल्सो सक्सेसफुल। मीन्स डायलिसिस में क्या है कि हम अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, और सेकेंडली डायलिसिस में हम अपनी किडनीज को वॉश आउट करते हैं। अगर पेशेंट को डायलिसिस हो जाता है तो वो अपनी किडनीज को वॉश आउट करवाते हैं लाइक एवरी मंथ, एवरी आफ्टर 15 days। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर ईजिली। स्टे होम, स्टे सेफ।